Now, hello everyone, welcome back. This is Jogendra Kumar, and in this video we are talking about the corolla. This is the second part of the flower. Flower का जो second part है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब corolla की जो unit होती है basically, the unit is called, जैसे आपकी simple सी चीज है, आपने rose flower देखा है. Rose flower में सबसे नीचे base पे ऐसे कुछ present होता है. यहाँ पर फिर present होते हैं different different जो पंखुड़ियाँ उसके present होती हैं वो. है ना, जो कलर पिंक कलर हो गई, येलो कलर हो गई, व्हाइट कलर हो गई, इस टाइप की वो लोकेटेड होती है ना, तो दैट इज कॉल्ड कोरोला. ये पूरे को तो कहा जाता है कोरोला, पर इसकी सिंगल यूनिट को कहा जाता है क्या, पेटल. द पेटल, एक सिंगल को कहा गया पेटल, और पूरे को एक साथ में क्या कह दिया जाता है, कोरोला. ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम बात करते हैं. दिस इज द सेकेंड बॉल ऑफ द फ्लोवर पार्ट. फ्लोवर का ये सेकेंड बॉल होता है, सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लोवर. ओके, दूसरा ये क्या होता है, कलर्ड होता है. कलर्ड होगा भाई, कलर्ड होगा तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, जितने भी इंसेक्ट होगा उनको अपनी ओर क्या करेगा, कलर्ड होता है, अट्रैक्टिव होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल, एंड रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन. यानी इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है कौन, ये डिफरेंस. जैसे देखो आपने कुछ प्लांट देखे होंगे, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, व्हाइट फ्लोवर होते हैं. अब भाई व्हाइट फ्लोवर वाले प्लांट्स देखो, लाइट के प्रेजेंस में व्हाइट व्हाइट हो जाता है, व्हाइट दिखता नहीं है. इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट होते हैं जो रात के टाइम में खिलते हैं, ओके, जिनको रात की रानी टाइप से फ्लोवर कहते हैं, तो जो फ्लोवर्स होते हैं जो रात के टाइम में ओपन होते हैं, उन फ्लोवर्स में व्हाइट जो कोरोला होता है, यानी उनका जो पेटल होता है वो व्हाइट होता है, क्योंकि डार्क में व्हाइट कलर, यानी वो ये ना ब्लैक बैकग्राउंड के आगे व्हाइट कलर जो है वो ज्यादा ब्राइट करेगा. इसी चक्कर में कुछ फ्लोवर्स जो होते हैं वो रात के टाइम में ब्लूम करते हैं, यानी रात के टाइम में ओपन करते हैं, यानी चमकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो रात के टाइम में ही पोलिनेशन करते हैं, दिन में नहीं करते. बट मैक्सिमम टाइम आपने देखा, जैसे ह्यूमन बीइंग ही ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट हो जाता है फ्लोवर्स को देख के. आपको जब भी कोई फ्लोवर दिखता है तो आप बोलते हैं वाओ क्या क्या अच्छा कलर है इस फ्लोवर का. तो सेम उसी टाइप से ये कलर्ड जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसेक्ट के पोलिनेशन के लिए, ह्यूमन द्वारा पोलिनेशन के लिए नहीं. दूसरा, अगर पेटल्स जो होते हैं जितने भी ऑल जितने के सारे के सारे, अगर पेटल्स पेटल्स क्या है, फ्री है ना, फ्यूज्ड नहीं है, तो उनको बोला जाता है पोली पेटलस. अब दोस्तों आपने लास्ट पढ़ा था कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स आपने जब पढ़ा था, कैलिक्स में आपने देखा कि वहां पर जो सेपल्स थे वो फ्री थे, तो उनको बोला गया था गैमो. यहां पर क्या बोला था, पॉलीपेटलस बोला जा रहा है ना, वहां पे बोला गैमोसेफलस बोला जा रहा था. दूसरा, अगर पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं, पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं या यूनाइटेड हैं एक साथ में, यूनाइटेड टूगेदर, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए गैमोपेटलस. नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए गैमोपेटलस. ओके, अब एक और सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि सारे सारे ऑल फाइव पेटल्स, यानी उसके अंदर अगर पांच पेटल प्रेजेंट है, कितने, फाइव पेटल आर प्रेजेंट है, वो क्या है, आर सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, तो उस कंडीशन को बोला जाता है रेगुलर. क्या बोला गया है, रेगुलर बोला गया है, और यानी रेगुलर शेप बोला गया है. और रेगुलर शेप किसके लिए यूज करते हैं, वो आपने पहले कभी पढ़ा है क्या, ये पढ़ा है आपने, एंड दिस बिकम ए एक्टिनोमोर्फिक कंडीशन. वो कंडीशन होती है जिसमें से अगर आप किसी भी चीज को किसी भी सेंट्रल एक्सिस से किसी भी पॉइंट से कट करें वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमोर्फिक फ्लोवर. यानी ये एक फ्लोवर होते हैं जिनको बोला था एक्टिनोमोर्फिक फ्लोवर बोला था. एक कंडीशन आपने ये पढ़ ली. एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर फोर पेटल्स हैं, एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन देखते हैं वो क्या होती है. तो एक और कंडीशन होती है, इफ द पेटल्स आर डिसिमिलर, अगर पेटल्स कितने हैं, यानी जितने भी पेटल्स हैं, पेटल्स आर डिसिमिलर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन बोल दिया जाएगा इरेगुलर बोल दिया जाएगा साहब. क्योंकि देखो पहले वाले में अगर रेगुलर बोला गया तो ये रेगुलर टाइप के हो जाएंगे, यानी इरेगुलर शेप. एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज ए, आपने पहले पढ़ा है शायद, दैट इज ए जाइगोमोर्फिक फ्लोवर, या इस टाइप के फ्लोवर को बोला जाता है एसिमेट्रिक फ्लोवर.
ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक आपने इस कंडीशन में देखा। अब हम इसके बात करते हैं कि रेगुलर के बेसिस पे किस किस टाइप के पॉलीपेटलस हो सकते हैं, ओके, और इरेगुलर के बेसिस पे किस किस टाइप के पॉलीपेटलस हो सकते हैं। देखो ये थोड़ी नॉलेजेबल है ना, नॉलेज के हिसाब से है, मैं कोई इसमें फालतू चीज नहीं बता रहा, तो नॉलेज के हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है, पेटल्स क्या है क्या नहीं है। तो एक चीज देखें, पहली हेडिंग लिखें आप, पहली हेडिंग आपको लिखनी है अपनी कॉपी में पॉलीपेटलस। अगर रेगुलर टाइप का है, यानी सारे क्या है सेम साइज के हैं, तो उनके अंदर कितने वॉल प्रेजेंट होंगे, यानी फाइव प्रेजेंट होंगे या फोर प्रेजेंट होंगे, यानी फाइव प्रेजेंट होंगे या फोर प्रेजेंट होंगे, उस बेसिस पे हम इसको बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो करते हैं, जैसे पहला टाइप इसका जो है और इम्पोर्टेंट भी है, पहला इम्पोर्टेंट इसका ये है क्रूसीफॉर्म। क्या क्रूसीफॉर्म? क्रूसीफॉर्म मतलब क्या, इसमें जो पेटल्स हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, फोर प्रेजेंट होंगे। क्रूसीफॉर्म में पेटल्स जो हैं वो फोर प्रेजेंट होंगे, तो इसमें क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है किस चीज का, वो इम्पोर्टेंट है, क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इंटू क्लॉ एंड लिम्ब। यानी क्या, ये फ्लोर का थैलमस पार्ट है, इस थैलमस के ऊपर, यानी ये फ्लोर का थैलमस पार्ट प्रेजेंट है, इस थैलमस पर आप बेसिकली देखोगे, इस थैलमस पर आप बेसिकली क्या देखोगे, यहां पर एक ये पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लॉ, ऐसे ये क्लॉ, ये जो हाथ है ना बने ऐसे करे क्लॉ, पकड़ बनाने के लिए, तो ये कुछ ऐसे होता है क्लॉ, और दूसरा ये जो पूरा पोर्शन होता है दिस रीजन इज कॉल्ड लिम्ब। ठीक है, यानी ये जो होते हैं इसमें जितने फ्लोर होते हैं वो किस टाइप पे अरेंज होंगे, क्रॉस फॉर्म में अरेंज होंगे, तो इसका जो एग्जांपल है वो है मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी क्रूसीफेरेसी, क्रूसीफेरेसी। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। सेकंड इसी का टाइप होता है जिसको बोला जाता है, ये ए टाइप पढ़ा था, इसी का जो सेकंड टाइप होता है उसको बोला जाता है कार्यो फाइलेसियस। इसमें जो पेटल्स होते हैं, इनमें जो पेटल्स होते हैं वो नंबर कितने होते हैं उसके, फाइव होंगे। पहले वाले में कितने पड़े थे, फोर पड़े थे, अगर फाइव है तो ये रेगुलर शेप में होगा, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, सॉरी, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपने क्या देखा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लिम्ब लाइक दिखता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये होता है क्लॉ, है ना, पंजा जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों के दोनों, ये दोनों क्लो और लिम्ब जो होते हैं एक दूसरे के कितने एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली इसमें 90 डिग्री पे लोकेटेड होते हैं क्लो और ये एक दूसरे पे। इसका एक एग्जांपल है, दैट एग्जांपल इज कॉल्ड डायन्थस, डायन्थस इसका एग्जांपल है। नाउ द थर्ड वन इज, रोजेसी। रोजेसी, इस रोजेसी में पेटल्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, यानी मैनी प्रेजेंट होंगे, और काफी सारे प्रेजेंट हैं तो उसके लिए आप ये देखें, इसका जो पेटल्स है बेसिकली आपको ऐसे दिखेगा, जिसमें आपको एक पंजा मिलेगा और एक उसकी लिम्ब मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल रोजेसी का रोज होता है, बस। तो यह आपने पढ़ा, तो आपने ए टाइप पढ़ा था पॉलीपेटलस रेगुलर में, अब पॉलीपेटलस पढ़ेंगे इरेगुलर में, पॉलीपेटलस इरेगुलर बी टाइप, पॉली पेटलस इरेगुलर। इसमें क्या होगा, इसका जो फर्स्ट टाइप है, द फर्स्ट टाइप इज पेपिलियोनियोसी, जिसको बोला भी जाता है एक और बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप, यानी इसके अंदर जो कोरोला है उनके शेप के बारे में बात कर रहे हैं, कि इसमें पेपिलियोनियोसी या फिर बटरफ्लाई शेप होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से दिखता है,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इस टाइप से लोकेटेड होता है। इन सबों के अलग अलग नाम होते हैं। जो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा अलग बना देता हूं एक बार, ये इस टाइप से बना दी। द अपर मोस्ट दिस इज कॉल्ड एज ए पोस्टीरियर पेटल। द पोस्टीरियर पेटल इज नेम्ड एज ए पोस्टीरियर पेटल नेम्ड इज ए स्टैंडर्ड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। ये नेट 2000 नेट 2017 का क्वेश्चन है ये वाला वैक्सिलम। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया था, इसमें एग्जांपल भी दे रखा था एक, ये आपने पढ़ा। दूसरा, लैटरली दो लोकेटेड हैं, लैटरली पोस्टीरियर पीछे की ओर तो ये हो गए, लैटरली ये दो होते हैं जिनको बुलाता है विंग्स, ओके, या फिर बोला जाता है एलए। अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन करें, जहां आपको लिख रखा है एस्टिवेशन, वहां पे एस्टिवेशन में बताऊंगा, जैसे कोरोला के बाद एस्टिवेशन बताऊंगा, वहां पे बात करते हैं कि जो पेपिलिनियोसी है उसमें जो कोरोला है। तो यहां पर जो है आप लैटरली दो लोकेटेड होते हैं, विंग हो गया और एक बोलते हैं एलए। देखो ये एनसीईआरटी में लिख रहा है एलए, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है आपको। एक बोला जाता है विंग्स और एलए, और लास्ट में जो लोकेटेड होता है जिसको बोलते हैं एंटीरियरली, ये भी एंटीरियरली कितने लोकेटेड होते हैं, टू लोकेटेड होते हैं। तो हो गए ना, तो दो दो और एक पांच, है ना। तो ये एक प्रेजेंट होता है वैक्सिलम, एक बड़ा होता है, लार्ज होता है, सिंगल होता है और बड़ा होता है। तो ये हो गए, तो दो दो पांच हो गए, इनको बोला जाता है कील। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मार्क कर लेना, अभी बोल रहा हूं, कील या करीना, सी से शुरू होगा, बॉलीवुड वाली करीना नहीं, पेड़ पौधों वाली करीना। तो ये करीना, तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से, ये पूरा का पूरा नीट का क्वेश्चन रह चुका है, नीट का काफी बार ये डायग्राम क्वेश्चन रह चुका है, ये पूरी कहानी नीट की काफी बार रह चुकी है। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम्पल क्या है, मैं वो एग्जाम्पल आपके लिए अब लिख रहा हूं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पेपिलिनियोसी को स्टार्टिंग में बोला जाता था, यानी इसको स्टार्टिंग में बोला जाता था पेपिलियोनोइडी, ये इसका ओल्ड नेम है, ये इसका ओल्ड नेम है। लेकिन ये वाला फैबेसी, दिस इज द न्यू नेम, ये इसका एग्जांपल है न्यू नेम। यानी आपको क्या याद रखना है, आप जितने भी दालें खाते हो ना, सारे के सारे दालें एग्जांपल है किसका, फैबेसी का। आप इस चीज से इसको ध्यान रखें, है ना। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एस्टेरेसी, एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखें एस्टेरेसी, यानी जो कंपोजिटी का एग्जांपल होता है, मैं लिख रहा हूं कंपोजिटी ओल्ड नेम था, न्यू नेम इसका क्या होगा, एस्टेरेसी। ये देखो फैमिलीज है, मैं इसके परे बता रहा हूं थोड़ा ना, अलग बात कर रहा हूं। तो जैसे कंपोजिटी है, एस्टेरेसी इसका न्यू नेम है, ये न्यू नेम है और ये जो है ये ओल्ड नेम है। दूसरा ग्रेमिसी, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं, ग्रेमिनी इसका न्यू नेम है, पोएसी। फिर और भी अलग अलग आते हैं, जैसे एक था अम्बेली फेरी जिसका न्यू नेम है एपीएसी। जो सुपारी आप खाते हो ना, वो चीकू जो खाते हैं, ये उसके एग्जांपल हैं, इसी के एग्जांपल आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एक अलग अलग टाइप की जो फैमिली है, कुछ ओल्ड नेम है उनको न्यू नेम में तब्दील क्या कर दिया, इस टाइप से आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने अभी तक देखा, अब इसमें इसी का पॉलीपेटलस का सेकेंड टाइप पढ़ लिया आपने, अब सी टाइप देखें। सी टाइप क्या होगा, गैमोपेटलस वाला। सी टाइप में गैमोपेटलस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ए बी पढ़ लिया, नाउ गैमोपेटलस में भी रेगुलर। गैमोपेटलस में जब रेगुलर के बारे में बात किया जाएगा, तो इसका नेम, इसके एग्जांपल और डायग्राम जो हम आगे बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो पहला बेल सेब जिसको बोला जाता है कम पेनुलेट,
एग्जाम्पल टोबैको, तंबाकू एंड टोमेटो, टमाटर आपका। सेकंड इसी का एग्जाम्पल है फनल शेप्ड, फनल शेप्ड जिसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलर फॉर्म। इनफंडिबुलर फॉर्म मतलब क्या, इसका जो एग्जाम्पल होगा धतूरा। धतूरा को आप देखें दैनिक लाइफ में, कभी भी आपने धतूरा का पेड़ देखा तो उसका उसके फ्लोर का ब्रेक करके देखें, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, इसमें डिफरेंट टाइप के ऐसे इसके कोरोला प्रेजेंट होते हैं व्हाइट कलर में, और ये जो फनल शेप प्रेजेंट होता है इसके कोरोला जो है वो फनल शेप में प्रेजेंट होंगे ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड फनल शेप या इनफंडिबुलर फॉर्म होता है, ये धतूरा में मिलता है आपको, है ना। और इसी का ये जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड रोटेट या व्हील शेप, व्हील्ड शेप, ठीक है। तो ये पेटल शेप की बात करें हम, ये डिफरेंट टाइप की जो है ना, ये पेटल का शेप होता है। बैल शेप किसके पेटल होता है, टोबाको और टोमाटो का। अगर आपसे फनल शेप्ड अगर किसी का पूछा जाए तो किसका जो पेटल है या कोरोला जो है धतूरा का होता है फनल शेप, रोटेट, ये इंपॉर्टेंट है धतूरा वाला, ठीक है। और रोटेट या व्हील के बारे में बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है, इसका एग्जाम्पल आता है ब्रिंजल। क्या आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, ब्रिंजल। अब ब्रिंजल आप पढ़ते हो सोलेनेसी, सोलेनेसी, ओके। सोलेनेसी में आपने देखा है, अब यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखें, यदि आपने ब्रिंजल देख लिया तो इसमें आपने पेटल के बारे में देख लिया। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक पॉइंट आपको समझाता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे सोलेनेसी मैंने एक फैमिली लिख दी यहां पे, तो सोलेनेसी के बारे में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने अभी तक पढ़े हैं। कैलिक्स की जब मैंने इसमें बात करी तो इसमें कैलिक्स मैंने बोला था, इसमें परसिस्टेंट टाइप का पाया जाता है, परसिस्टेंट टाइप का इसमें कैलिक्स पाया जाता है, ये आपने पढ़ा था। दूसरा इसमें जो कोरोला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कोरोला की, तो इसमें कोरोला जो है वो वेरिएबल टाइप और शेप का प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो होता है रोटेट या व्हील टाइप यानी जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्यों, क्योंकि टोमाटो आपने देखा, टोमाटो इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेसी। धतूरा हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेसी। एंड ब्रिंजल, दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सोलेनेसी। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल दी यानी कोरोला जो होता है ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप का यानी वेरिएबल टाइप का प्रेजेंट होता है, वेरिएबल टाइप ऑफ शेप प्रेजेंट इन सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसी में हम इसके फोर टाइप की बात करते हैं, क्योंकि ये तो इसका फोर टाइप कौन सा होगा, फोर टाइप देख लें आप ना, फोर टाइप, द फोर टाइप दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर शेप, यानी इसका जो कोरोला है दैट इज इन ट्यूबुलर इन शेप, दैट इज अ डिस्क। एग्जाम्पल लिख रहा हूं डायरेक्ट, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। देखो मैं बता रहा था, जैसे आपने दैनिक लाइफ में देखा होगा कि आपने गेंदे का फूल देखा होगा, गेंदे के फूल में क्या होता है, ये इसका थैलमस है, इस थैलमस पर यहाँ पर बड़े बड़े वो प्रेजेंट होते हैं, है ना, और बीच में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे कोरोला, और पेरीफेरी प्रेजेंट बड़े वाले, तो बीच में प्रेजेंट होगा जिनको डिस्क शेप बोलते हैं, और जो साइड में होते हैं उनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। तो डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सन दैट इज अ ट्यूबुलर इन शेप, यानी जो बीच वाले होते हैं ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं, ट्यूबुलर लाइक में, यानी ऐसे होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर में भी आपको ऐसे दिखता है, तो ये सारा सेम है। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज ए डी, दैट इज ए गैमोपेटलस इरेगुलर, ठीक है। तो डी गैमोपेटलस इरेगुलर, इसका जो एग्जांपल है, इसी का एक एग्जांपल है, दैट इज ए लिगुल शेप्ड होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, और वो किसका एग्जांपल है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कैलिक्स और कोरोला की जो टाइप है उनमें से कोरोला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैलिक्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट तीन आपने पढ़े थे वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के आपको, चारों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे अपने एस्टिवेशन के बारे में, क्योंकि आपने कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया, अब एस्टिवेशन में क्या होता है, एस्टिवेशन में कैलिक्स और कोरोला ही इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी के बेसिस पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। थैंक यू।